जब सामने हो मंजिल तो कभी रास्ता मत मोड़ना, जो भी दिल में सपने हो उसे कभी मत तोड़ना, आएंगी कदम कदम पर मुश्किलें आपको, लेकिन सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, सोएगा, जागेगा, खाएगा और मोबाइल चलाएगा, इसके बाद फिर से सो जाएगा, और फिर कभी पढ़ाई की याद आ गई तो रोएगा कि मुझसे नहीं होगा, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, और फिर से सो जाएगा, फिर जागेगा, फिर खाएगा और फिर मोबाइल चलाएगा। अरे तुमसे ज्यादा तो एक अच्छी जानवर की जिंदगी है, कम से कम उसे इस बात का एहसास तो है कि उसके लिए क्या जरूरी है, क्या उसके लिए सही है। दोस्तों, टाइम कम है, टाइम निकलता जा रहा है, आज माँ बाप खिला रहे हैं, कल कौन खिलाएगा। कल जब तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे साथ पढ़ने वाले दोस्त आगे निकल जाएंगे और तुम सड़क पर धक्के खा रहे होगे और हमेशा की तरह रोगे, कहोगे मेरी किस्मत ही खराब है, अरे किसने झूठ बोल रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो। ये दुनिया लोगों की भावनाओं को नहीं समझती है, ये किसी के दर्द को नहीं समझती। अगर एक अच्छी जिंदगी जीनी है, अपने माँ बाप का सहारा बनना है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, कुछ करके दिखाना है, तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझसे नहीं होगा, ये कहना छोड़ना होगा, अरे तुझसे क्यों नहीं होगा, तू भी तो एक इंसान है, तेरे पास ऐसा क्या नहीं है जो तुझसे नहीं होगा। जो बंदा क्लास में टॉप करता है वो भी आपकी तरह इंसान ही है, उसकी भी आंखें हैं, पर फर्क बहुत बड़ा है। तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता क्योंकि तुम पढ़ने के लिए पढ़ाई करते हो, काम चलाने के लिए पढ़ाई करते हो, तुम्हारे लिए पढ़ाई कर लेना एक मंजिल है, एक सफलता है, जबकि तुमको पता ही नहीं कि पढ़ाई मंजिल नहीं, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। जिसका पढ़ाई में मन लगता है उसके कुछ सपने होते हैं, उसका एक लक्ष्य होता है, उसे जिंदगी में क्या करना है उसे सारी चीजें पता होती है कि पढ़ाई का रास्ता ही उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, इसलिए उसका पढ़ाई में भी मन लगता है और वह टॉप भी करता है। तो पढ़ाई को मंजिल नहीं रास्ता बनाओ, तब पढ़ाई में मन लगेगा। और जो लोग ये बहाना बनाते हैं कि मोबाइल की वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो यह याद रखना मेरे दोस्त, तुम्हारे अकेले के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल वो भी रखते हैं जो क्लास में टॉप मारते हैं, मोबाइल वो भी रखते हैं जो करोड़ों की इंडस्ट्री है जिनकी, मोबाइल वो भी रखते हैं जिनका करोड़ों का बिजनेस है। दुनिया में मोबाइल हर एक इंसान चलाता है, लेकिन उसे मालूम होता है कब उसे मोबाइल चलाना है और कब नहीं चलाना है। अरे तुम जिंदगी में क्या कर पाओगे अगर एक छोटा सा मोबाइल तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा। तुम एक छोटे से मोबाइल से जीत नहीं पा रहे हो और बातें बड़ी बड़ी करते हो। आंखें खोल लो, अभी भी वक्त है, समझ जाओ अभी भी वक्त है। और अगर इन सब बातों को सुनने के बाद भी अगर तुम्हारा जमीर नहीं जागा, तो आज के बाद कभी भी कोई मोटिवेशनल वीडियो मत सुनना। और इस वीडियो को आपको सुनने के बाद यदि आग लगी है तो बस एक कसम खा लेना, आज के बाद पढ़ाई करना दूसरों को दिखावे के लिए पढ़ाई मत करना, बल्कि खुद के लिए पढ़ाई करना। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको आपसे रूबरू करवाई होगी तो आप इस वीडियो को ना तो लाइक करिए, ना तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ना इस वीडियो को शेयर करना है, बस आपको पढ़ाई में मन लगाना है और अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। और दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं, यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आना होगा तो आप 2 मिनट में भी समझ जाएंगे, और यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको भैया 2 घंटे की वीडियो भी बना देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बस एक ही लाइनों को मोटिवेशन अपना समझूंगा, मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है, मेरा मकसद है कि हर सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए। थैंक यू सो मच, गौरव गुप्ता, साइन आउट, थैंक यू सो मच।